शिवपुरी शहर की यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु आगामी दिनों में प्रारंभ होने वाले शादी समारोह के दौरान मैरिज गार्डनों के सामने जाम की स्थिति निर्मित न हो, इस संबंध में थाना यातायात परिसर में शहर के समस्त मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के नेतृत्व एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं SDOP शिवपुरी के मार्गदर्शन में नगर निरीक्षक, थाना प्रभारी फिजिकल, थाना प्रभारी यातायात, थाना देहात से उप निरीक्षक तथा शहर के करीब 30 मैरिज गार्डन संचालक उपस्थित है। बैठक में मैरिज गार्डन संचालकों को थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा समझाइश दी गई कि विवाह समारोह के दौरान कोई भी विवाद की स्थिति होने पर तत्काल संबंधित थाने को सूचना दें एवं जिन मैरिज गार्डनों में कैमरे नहीं हैं, उनमें HD क्वालिटी के कैमरे पूरे गार्डन एवं कैंपस को कवर करके स्थापित कराए एवं मेन गेट पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से क्षमता अनुसार गार्ड लगाए एवं लगे हुए गार्डों को संबंधित मैरिज संचालक समझाइश देवे कि कोई व्यक्ति संदेहास्पद प्रतीत होने पर उनसे पूछताछ करे एवं उसको गार्डन के अंदर प्रवेश करने से रोके। साथ ही सभी मैरिज संचालकों को निर्देशित किया गया कि शादी समारोह की बुकिंग के दौरान ही संबंधित को अवगत कराए कि गाइडलाइन अनुसार DJ साउंड रात्रि 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे। मैरिज गार्डन संचालकों द्वारा बैठक में पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने एवं दिए गए निर्देशों के पालन करने का आश्वासन दिया गया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। तीसरा पॉइंट ये है, DJ का अगर अनावश्यक परेशानी ना हो किसी को तो थोड़ा बहुत दे सकते हैं टाइम, 10-15 मिनट का। अगर परेशान करें पार्टी को डायरेक्ट पुलिस को कॉल करके बुला सकते हैं जी। और चौथा पॉइंट ये है कि अरे मैं कह रहा हूँ 15,000 का आएगा बहुत अच्छी क्वालिटी में, जो आपको HD क्वालिटी देगा, नाइट विजन देगा। 15,000 से आपका कितना काम होगा, हमारा कितना समय? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह राठौड़ है, जनरल मैनेजर ऑफ नक्षत्र रिसोर्ट शिवपुरी जी। आज यातायात थाने में मीटिंग रखी गई थी, यातायात थाने में मीटिंग रखी गई थी चोरी के रिगार्डिंग, कि जो पार्किंग है उनके अंदर CCTV कैमरा लगाया जाए हाई क्वालिटी का, ताकि चोरियां रुके और DJ अपना जो है 10 to 10:30 पर क्लोज होना चाहिए। बैठक यहाँ पर ली गई थी, बैठक का क्या पर्पज था और क्या दिशा निर्देश उनको दिए गए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आगामी समय में जो शादी त्यौहार आएंगे, शादी समारोह रहेंगे या फिर मैरिज गार्डन में, उनको लेकर व्यवस्था के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो निर्देश सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और CSP महोदय द्वारा जो हमको निर्देश प्राप्त हुए थे, उसमें सभी मैरिज गार्डन जो संचालक हैं उनको ये समझाइश देने के लिए शादी जो सीजन चलेंगे इनके दौरान ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, इसके अतिरिक्त पार्किंग व्यवस्था के लिए, आने जाने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए कैमरे की व्यवस्था को दुरुस्त कराना, जो लोग रुकते हैं प्रॉपर उनकी ID वगैरह जो जानी चीज़ें हैं उनको लेना, संबंधित थाने को सूचना देना, DJ के संबंध में जो विवाद आते हैं उनको तत्काल पुलिस को तत्काल सूचना देना है, और किसी भी प्रकार की किसी भी वो जो भी अगर इनका कोई भी पॉइंट थे, कुछ पॉइंट्स पुलिस की तरफ से थे, कुछ पॉइंट उनकी तरफ से थे DJ संचालक मैरिज गार्डन संचालकों की तरफ से, तो उन पूरे पॉइंटों को दोनों पक्षों ने आपस में साझा किया है और इनकी निश्चिति सभी से ये वो भी है, अपील भी है कि इसकी निश्चित ही ये लोग पूरी पूर्ति भी करेंगे और पुलिस को भी समय पर सूचना देंगे। सर, ये तो हो गई आपकी मैरिज गार्डनों की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर बात। इसके अलावा एक चीज़ बड़ी देखी जाती है कि जब भी है ना बारात निकलती है तो शहर के मुख्य मार्गों पर, चाहे वो फिजिकल हो या फिर माधव चौक हो या अन्य मार्ग हो, वहाँ पर जाम की स्थिति बनती है, उसको जाम की स्थिति न बने इसके लिए किस तरह की व्यवस्था की जाएगी, यातायात को किस तरह से संभालना है? इसमें अभी सभी थाना प्रभारी महोदय बैठे हुए, यातायात फिजिकल देहात और मैं भी सभी के समय उन लोगों ने हमने बात करी अभी अपनी, कि अब इस तरीके की व्यवस्थाओं के लिए जो भी मुख्य चौराहे हैं प्रयास करके हम बिल्कुल उन पर पॉइंट लगाए जाएंगे और जब तक वहाँ से यातायात सुगम तरीके से नहीं निकल जाता वो पॉइंट वहाँ फंसते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।